जान मेरी आवे गया हो जानूड़ी आवे गया हो जानूड़ी दोस्तों आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको अलर्ट मोशन की जरूरत पड़ती है, तो इसकी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमें इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिएगा, हम समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अलर्ट मोशन ऐप ओपन करते हैं। दोस्तों अलर्ट मोशन ऐप ओपन करते ही कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला आपको इस प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको बिटमार्क की और शेक इफेक्ट की और PNG इमेज की, इन तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन से आपको अलर्ट मोशन में इस तरह से वेरीफाई यानी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर इस तरह से आपको वेरीफाई करते नहीं आता तो उस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इफेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। मात्र एक मिनट का वीडियो, वो वीडियो देख लेना, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हिंदी में स्पष्ट लिखा हुआ है इफेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो देखने के बाद इस तरह से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए बीट मार्क बाय रीति से एडिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। बीट मार्क पर क्लिक करने बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम चले जाना और आपको यहाँ पर प्लस मिल जाएगा ये वाला, आपको इस प्लस पर क्लिक कर देना। प्लस पर क्लिक करने बाद आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा ये वाला, दूसरे नंबर पर देख लीजिएगा, आपको इस मीडिया पर क्लिक कर देना। क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, यहाँ पर आपको कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने बाद कुछ इस तरह से आपका फोल्डर खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो वाला फोल्डर सिलेक्ट कर लेना जिस फोल्डर में आपके इमेज हो, इमेज यानी फोटो हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से देख लिया इमेज सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आप कोई सा भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। अगर यही इमेज चाहिए तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा इस तरह इमेज ले लिया, उसके बाद कुछ इस तरह से इमेज अपना आधी साइज में दिख रहा है, ठीक है। तो आपको उनको यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन दिखाई देगा कोने में, देख लीजिएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों फिल कॉम्प्रोमेशन एरिया 5वें नंबर पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ से गिन भी सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5वें नंबर, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना, क्लिक कर देना। क्लिक करने बाद आपको देख लीजिएगा, अगर दूसरा इमेज लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, ये अगर सारे इमेज अलग अलग चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये वाला एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर क्लिक कर देना और ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर कट कर देना। खाली जगह में टच कर देना, फिर से आपको प्लस पर क्लिक कर देना, मीडिया पर क्लिक कर देना, यहाँ से फिर से आपको इमेज ले लेना, ठीक है। अगर अलग अलग इमेज लेना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यही इमेज यूज़ करने वाला पूरे सॉन्ग में, ठीक है। तो इस तरह सॉन्ग ले लेना, उसके बाद इस तरह से आपको लास्ट तक चले जाना, ठीक है। या एक ही इमेज ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, खाली जगह में टच कर देना और इस तरह से आपको फर्स्ट टाइम चले जाना, ठीक है। फर्स्ट टाइम चले जाना, उसके बाद आपको यहाँ पर एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर क्लिक कर देना और एक बार और इस एरो पर क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद इस इमेज पर क्लिक कर देना, ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर कट कर देना। फिर से आपको इस एरो पर क्लिक कर देना और इमेज पर क्लिक कर देना, यहाँ से कट कर देना। फिर से आपको इस एरो पर क्लिक कर देना, इमेज पर क्लिक करना, कट कर देना। इस तरह से दोस्तों आपको लास्ट तक इमेज इस तरह से कट कर लेना, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी इस तरह से कट कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उन भाइयों को मैं निवेदन करता हूँ कि यार जो इस भाई को वोट करो, उस भाई को वोट करो, ये वाला मैसेज बिल्कुल भी ना कर, क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं दूसरों को भी कुछ रिप्लाई नहीं दे पाते। इतने मैसेज आते हैं मेरे, कम से कम 500,000 मैसेज एक दिन में आ जाते हैं इस भाई को वोट करा, उसके कारण मैं दूसरे को भी रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा मैसेज मुझे बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह से मैं कट कर लेता हूँ फोटो, ठीक है। अगर हमारे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टेक्निकल रितेश को, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर भी डेली वीडियो अपलोड होती है सुबह सुबह, ठीक है। इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब उसको भी कर लेना, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी दोस्तों लास्ट तक इमेज कट कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिएगा मैंने इस तरह से लास्ट तक इमेज कट कर लिया, ठीक है। आपको भी इस तरह से कट कर लेना, ठीक है। कट करने के बाद आपको इस तरह फर्स्ट टाइम आ जाना, फर्स्ट टाइम आने के बाद आपको यहाँ पर एरो का ऑप्शन मिलेगा ये वाला, आपको इस एरो पर क्लिक कर देना। एरो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों शेक इफेक्ट बाय रीति से एडिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। शेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर दूसरे नंबर फोटो ये वाला फोटो, ठीक है।
आपको इस फोटो पर क्लिक कर देना। क्लिक करने पर आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला आपको इस इफेक्ट पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला दोस्तों आपको इस थ्री डॉट बिंदु पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने पर आपको यहाँ पर कॉपी इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस तरह कॉपी कर लेना और आपको यहाँ पर एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर क्लिक कर देना और एक बार और कर देना और इस एरो पर फिर से कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर बीट मार्कर बाय रितेश एडिंग पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। बीट मार्कर पर क्लिक करने बाद आपको इस तरह से ऊपर उठा लेना, ठीक है, उंगली से दबा के इस तरह ऊपर उठा लेना। उसके बाद पहले नंबर फोटो को छोड़ देना और आपको यहाँ पर दूसरे नंबर फोटो पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने पर आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस इफेक्ट पर क्लिक कर देना। थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक कर देना। इस तरह इफेक्ट पेस्ट कर ले, खाली जगह में टच कर देना और यहाँ पर एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर शेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। शेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों पहले नंबर फोटो, ये वाला फोटो, ठीक है, पहले नंबर आपको इस फोटो पर क्लिक कर देना। इस तरह क्लिक कर देना और इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला आपको इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर कॉपी इफेक्ट पर क्लिक कर देना। कॉपी कर लेना, देख लीजिएगा इस तरह से कॉपी, ठीक है, इस तरह पहले नंबर कॉपी कर लेना और आपको यहाँ पर एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर क्लिक कर देना और एक बार और कर देना, फिर से कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको बीट मार्कर पर रितेश एडिंग इस पर क्लिक कर देना, ठीक है, बीट मार्कर पर क्लिक कर देना। उसके बाद इस तरह से आपको ऊपर उठा लेना और ये वाला एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर एक और दो और तीन और चार बार क्लिक कर देना। चार बार क्लिक करने बाद आपको यहाँ तक आ जाओगे, देख लीजिए 3:25 आपको यहाँ पर टाइमिंग दिख रहा। उसके बाद आपको यहाँ पर इस फोटो पर क्लिक कर देना, ठीक है, और इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, इस इफेक्ट पर क्लिक कर देना, थ्री डॉट बिंदु पर यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना, इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको खाली जगह में टच कर देना, ठीक है, और आपको यहाँ पर देखिए दो फोटो छोड़ देना, ये वाला देख लीजिएगा इस तरह दो फोटो, फोटो तो एक ही रहेगा, ये मार्कर दो छोड़ देना, ठीक है, इस तरह कट हुआ है, ये देख लीजिएगा इस तरह से इतना कट तो एक और ये कट दो, ठीक है, दोनों छोड़ देना और यहाँ पर तीसरे नंबर फोटो यहाँ पर क्लिक कर देना और इफेक्ट पर क्लिक कर देना और थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक करके आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना, खाली जगह में टच कर देना, फिर से आपको दो फोटो छोड़ देना और तीसरे नंबर फोटो पर यहाँ पर क्लिक कर देना और इफेक्ट पर क्लिक कर देना, थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक करके आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना। इस तरह से दोस्तों दो दो फोटो छोड़ देना और तीसरे फोटो पर ये वाले इफेक्ट आपको ऐड कर लेना, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये वाले भी इफेक्ट मैंने ऐड कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर क्लिक कर देना। क्लिक करने पर आपको यहाँ पर शेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है, शेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा ये वाला इफेक्ट बचे अपने लास्ट वाले, ठीक है, तो इस फोटो पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इस फोटो पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस इफेक्ट पर क्लिक कर देना, थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर पहले नंबर पर कॉपी इफेक्ट पर क्लिक कर देना और इस एरो पर क्लिक कर देना, ठीक है। एरो पर क्लिक करने के बाद एक बार और क्लिक कर देना और एक बार और कर देना और आपको बीट मार्कर पर क्लिक कर देना, ठीक है। बीट मार्कर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इस तरह उंगली से खिसका लेना ऊपर, ठीक है, और आपको यहाँ पर पहले नंबर फोटो पर क्लिक कर देना और यहाँ पर देख लीजिएगा आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस इफेक्ट पर क्लिक कर देना, थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक कर देना, खाली जगह में टच कर देना। उसके बाद देख लीजिएगा आपको ये वाला फोटो, इसमें इफेक्ट है तो इसको छोड़ देना और ये वाला देख लीजिएगा, दो दो फोटो जो आप अपने छोटे थे उन दो फोटो में ये वाला इफेक्ट आपको पेस्ट कर लेना, ठीक है, पेस्ट हो चुके। उसके बाद अगला फोटो ये वाला, ठीक है, आपको इस फोटो में क्लिक कर देना, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक कर पेस्ट इफेक्ट कर देना, खाली जगह में टच कर देना, फिर से आपको ये वाला एक फोटो छोड़ देना, ठीक है, और आपको यहाँ पर दो फोटो अगले आ रहे हैं, दोनों फोटो में ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना, ठीक है। इस तरह से दोस्तों दो दो फोटो में ये वाला इफेक्ट आपको लास्ट पेस्ट कर लेना, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी पेस्ट कर लेता हूँ। अगर दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना और कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लगा सेंड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट इस तरह से आपको अगर लास्ट तक पेस्ट हो जाए उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना और आपको यहाँ पर देख लीजिएगा PNG इमेज का ऑप्शन मिलेगा, PNG इमेज पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिए आपको इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑल लेयर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको पहले नंबर पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर कॉपी थ्री लेयर्स का ऑप्शन मिलेगा, तीसरे नंबर देख लीजिएगा आपको इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन मिलेगा, क्रॉस पर क्लिक कर देना और इस एरो पर क्लिक करके बीट मार्कर बाय रितेश एडिंग पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक कर देना, ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना, पेस्ट थ्री लेयर्स पर क्लिक कर देना, इस तरह पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से आपको लास्ट तक चले जाना, ठीक है। लास्ट तक आने के बाद आपको यहाँ पर पहले नंबर क्लिक कर देना, यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है, खाली जगह में टच कर देना, दूसरे नंबर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना, खाली जगह में टच कर देना, तीसरे नंबर क्लिक कर देना और ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर कलर द फील का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आप कोई सा भी कलर सकते ले सकते हो, लाल या जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला सिलेक्ट कर लेना, ठीक है।
तो मेरे को यहाँ से ब्लैक शूट कर रहा था, मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से खाली जगह में टच कर देना, ठीक है। और यहाँ से ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना, आपको यहाँ पर शेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको ऊपर से एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार, चौथे नंबर पर आपको दबा रखना, ठीक है। और पाँचवें नंबर क्लिक करना, छठे नंबर क्लिक कर देना, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन का आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, और आपको यहाँ पर कॉपी लेयर का ऑप्शन मिलेगा, कॉपी थ्री लेयर्स पर क्लिक कर देना, और ये क्रॉस पर क्लिक कर देना, और इस एरो पर क्लिक कर देना, और बीट मार्क पर क्लिक कर देना, ठीक है। बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, पेस्ट थ्री लेयर्स पर क्लिक कर देना, इस तरह पेस्ट कर देना, और इस तरह आपको लास्ट तक चले जाना, ठीक है। और आपको पहले नंबर पर क्लिक कर देना, ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, खाली जगह में टच करना, और दूसरे नंबर पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर क्लिक करना, खाली जगह में टच करना, तीसरे नंबर पर क्लिक करना, और यहाँ पर क्लिक करना, तीनों ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से फर्स्ट टाइम चले जाना, ठीक है। देख लीजिएगा, इस तरह फर्स्ट टाइम आ जाना, और आपको यहाँ पर प्लस मिल जाएगा, ये वाला आपको इस प्लस पर क्लिक करना, और यहाँ पर क्लिक करना, ये वाला शेप सिलेक्ट कर लेना, थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिलेगा कोने में, देख लीजिए, आपको इस पर क्लिक करना, और पाँचवें नंबर पर फिल कॉम्प्रोमाइज़ एरिया पर क्लिक करना, और इस तरह से आपको लास्ट तक चले जाना, ठीक है। देख लीजिएगा, इस तरह से आपको लास्ट तक आ जाना, इस तरह से, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना, कलर द फिल का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देना, यहाँ से आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना, ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना, खाली जगह में टच कर देना, और आपको फर्स्ट टाइम चले जाना, ठीक है। देख लीजिएगा, इस तरह फर्स्ट टाइम आ जाना, और आपको यहाँ पर पहले नंबर पर क्लिक कर देना, क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला आपको इफेक्ट पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर आपको एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना, और आपको यहाँ पर प्रोसीडरल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना, और आपको यहाँ पर सिंपल स्टैंडर्ड के ये वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना, और आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, और आपको यहाँ पर जीरो वाई का ऑप्शन मिलेगा, आपको जीरो वाई पर क्लिक कर देना, और आपको यहाँ पर प्लस मिल जाएगा, आपको प्लस पर क्लिक कर देना, जैसे प्लस पर क्लिक करोगा यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, और आपको यहाँ पर मार्कर लग जाएगा, और इस तरह से आपको लास्ट तक चला जाना, ठीक है। लास्ट तक जाने के बाद आपको यहाँ पर जीरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 300 कर लेना दोस्तों, देख लीजिएगा, इस तरह से आपको खिसका के 300 कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ से 300 कर लेता हूँ, ठीक है, 300 या 350 चलेगा, ठीक है। 260 हो चुके हैं, तो 200 300, ठीक है, 350 कर लेते हैं अपन, ठीक है। देख लीजिए, 350 हो चुका है, खाली जगह में आपको टच कर देना, और आपको पहले नंबर क्लिक कर देना, और ब्लेंडिंग द ऑपोसिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, और आपको यहाँ पर लाइटन का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला तीसरे नंबर देख लीजिएगा, आपको इस पर क्लिक करना, पहले नंबर स्क्रीन पर क्लिक कर देना, खाली जगह में टच कर देना, ये वाला एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर आपको स्पॉट पर क्लिक कर देना, वीडियो अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अगले वीडियो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।